जब आपका लर्नर लाइसेंस जो है कम्प्लीट हो जाता है, तब आपको जो है DL अप्लाई करना होता है ओरिजिनल। तो इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, चलिए मैं आपको ऑनलाइन प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी गूगल या क्रोम खोलेंगे और वहाँ पर आप जो है eparivahan.com इस तरीके से eparivahan लिख के सर्च मारेंगे तो आपके मोबाइल पर वो साइट खुल जाएगी। देखिए मोबाइल को बिल्ड कर लेता हूँ। इस पर जो उसका DL का ऑफिशियल वेबसाइट होता है इस तरीके से, वो आपके सामने खुलेगा। आपको सिंपली इस पर ऑफिशियल वेबसाइट या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आप नीचे आएंगे इस तरीके से, यहाँ से आपको मिल जाएगा ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, यहाँ पे नीचे और भी मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए इस तरीके से आपका DL खुल करके आएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे लर्नर लाइसेंस होता है, आपको लर्नर लाइसेंस शो हो गया है। यहाँ पे आपका अप्लाई फॉर DL लाइसेंस, आपको DL अप्लाई करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये चीज़ आपको पूरा करना पड़ेगा, और सात स्टेप अप्लीकेशन अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर फॉर रिक्वायर्ड अप्लीकेशन। यहाँ पे देखिए DL टेस्ट बुकिंग पेमेंट ऑफ फीस वेरीफाई द पे स्टेटस प्रिंट द रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आपने सारी चीज़ें देख लिया, जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पे अपने आपको लर्नर लाइसेंस और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। लर्नर लाइसेंस आपको जो है उस पर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे इस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इस तरीके से आप चूज़ करेंगे अपना, और उसके बाद आगे आपको सबमिट के ऑप्शन पर मिल जाएगा, आप आगे क्लिक कर देंगे। देखिए मैं आपको अभी डेट ऑफ बर्थ फिल करके दिखा दे रहा हूँ। जो आपको ओके का बटन मिलेगा, आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेकर के आपका पूरा डिटेल्स इस पर आ जाएगा। थोड़ा सॉरी, देखिए दोस्त जैसे हमने डाला यहाँ पे नीचे हमारा, देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेशन ये लास्ट नेम ये फादर सरवजान पूरा देख सकते हैं आप। जेंडर डेट ऑफ बर्थ पूरा का पूरा हमसे ले लिया, एज 24 साल। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हमसे एक नंबर से हमसे पासवर्ड कितना नंबर मिला था हमें इसमें लर्नर लाइसेंस में, स्कैन और हेड ऑल राइट हैंड ATC। अब आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको जो यहाँ पे यहाँ से आपको जो जो बनवा रहे हैं गाड़ी जिसका उसका लाइसेंस आपको उसको चूज़ करना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो दबाने के बाद देखिए मोटरसाइकिल विथ गियर और नॉन ट्रांसपोर्ट MCWG इसको आप कर लेंगे, लाइट मोटर व्हीकल मतलब ये दोनों हमने चार पहिया मोटरसाइकिल का बनवाया था तो ये दोनों आप इसको करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जो है हो जाएगा तो यहाँ उस पर एक बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए दो मिल गया, उसके बाद यहाँ पर आपको एक डब्बा मिलेगा और यहाँ सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको ये देखिए एक पॉपअप खुल करके आएगा कि द फॉलोइंग एड्रेस शैल बी प्रिंटेड और स्मार्ट कार्ड, अगर स्मार्ट कार्ड पे छप के आएगा। अगर आपको कुछ गड़बड़ है तो आप एक बार देख लीजिए और इसमें सुधार कर सकते हैं, वरना फिर बाद में सुधार नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ओके पर क्लिक कर दीजिए, हमने देख लिया, आप अपना देख लेंगे। और उसके बाद आप आगे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन खुल करके आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली काइंडली। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा ऊपर, इसका एक स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ ओके ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ये मिल जाएगा, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे आप देखिए इशूज ऑफ न्यू DL, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे और नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे, यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फ्री फील्ड, यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट जो है आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगर प्रिंटर है तो, और अगर प्रिंटर नहीं है तो आप इसको रहने दीजिए। और इसी तरीके से हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम इसको देख सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने फिर से आप पीछे आ जाएंगे और यहाँ पर ये कैप्चा आपको डालना रहता है। यहाँ पर नीचे जिस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं किनारे, इसी तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद आपने डाल दिया, अब यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है आपका वो अपने आप ले लेता है आपका फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे आप नीचे आएंगे, उसके बाद से दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ पे देखिए हमारा जो है पहला जो है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स DL कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें और दूसरा करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आप यहाँ पे देखिए प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आपका वो आएगा, एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ, आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा। सबमिट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके नीचे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करने के
यहाँ पर फिर से आप आगे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर फिर से आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका जो है, उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या देना है। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक आपको एड्रेस प्रूफ देना है प्रेजेंट टाइम पे, और दूसरा लर्नर लाइसेंस LL जो आपको मिला है वो देना है। तो पहले मैं एड्रेस प्रूफ पे चूज करता हूँ, और चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट प्रूफ्स, यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा क्या देंगे। देखिए इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी, LIC यहाँ पे देख सकते हैं, आधार कार्ड विथ DOB, यहाँ पे आप इसको चूज कर लेंगे। इसको चूज करने वाला फिर से यहाँ पे देखिए सर्च मारेगा, जितने बार आप चूज करेंगे उतने बार सर्च करके फिर से आप नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे देखिए आपको मिलेगा चूज फाइल, यहाँ आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आपका किससे देंगे, कैमरा से, फाइल से, तो मैं फाइल से दूंगा। देखिए फाइल से आप जाएंगे और जहाँ भी आपका आधार कार्ड हो आप उसको ले लेंगे। देखिए मैं जो है अपने आधार कार्ड का ले लेता हूँ, ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का मिल जाएगा, अपलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर अभी थोड़ा सा ऊपर पॉपअप लेके अभी यहाँ पर सर्च मार रहा है ऊपर, देखिए सबसे ऊपर किनारे। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड कर देंगे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन का व्यू का, दूसरा मिलेगा कंफर्म का, तो आप यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करते हैं, कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो सर्च लेकर के आप नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक, आपको देखिए यहाँ पे जो है सेव्ड, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ जो है सेव्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे आपको जो है देना है क्या, मैं दिखाऊँ आपको लाइव। फिर से आप जाएंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे एक ही बचा है लर्नर लाइसेंस LL टुगेदर, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट प्रूफ में क्या देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो लर्नर लाइसेंस, यहाँ पे नीचे एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे लर्नर लाइसेंस का, तो आप लर्नर लाइसेंस जो है ले लेंगे। जैसे आप लर्नर लाइसेंस लेंगे तो ऊपर से फिर से चूज कर करके नीचे आ जाएगा, अभी दिखा दूँ मैं आपको। उसके बाद आप फिर से यहीं पे जाएंगे, सेम टू सेम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, और चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आप फिर से फाइल से चूज़ करेंगे, अगर आपका कैमरा तो कैमरे से चूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा जो हो यहाँ पे इमेज में जाएंगे, फिर से जो है आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जा करके नीचे देखिए डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे PDO, यहाँ पे अभी देखिए हमने बनाया है। तो आप जो कर लर्नर लाइसेंस जो भी आपका हो वो आप ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पे अपलोड का जो है यहाँ पे देखिए आ गया है, और यहाँ पे अपलोड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो फिर से सर्च लेकर के आपका पूरा सर्च करेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका लर्नर लाइसेंस अपलोड कर देगा। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव, फिर से आपका उसी तरीके से होगा। आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कन्फर्म, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद फिर से जो आपका देखिए दोनों आपका जो है डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए मैं नीचे जाता हूँ, अब हमारा जो है दो डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके होंगे। अब देखिए मैं नीचे गया, यहाँ पे देखिए हमारा दो अपलोड हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का एक बटन मिलेगा, नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारा जो है यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया, और ये पे आपको देख सकते हैं सारी चीज़। आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि मैंने दो, देखिए दो मैंने स्टेप पूरा कर लिया है। अब आपको तीसरा जो है अपलोड करना है, ये फीस पेमेंट का होता है, और ये फीस आपको कैसे करना है आपको देखिए जितना करना है उतना प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोसेस का बटन मिलेगा, प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप कैसे जो वो पेमेंट करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही दिया ही है, आप इसको चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर जो है ये कैप्चा फिल करेंगे जिस तरह से कैप्चा लिखा हुआ है। और सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आप देखिए हमारा मोबाइल नंबर ये अपने आप ले लिया है, इस पर एक OTP आएगा, पेन ऑफ पर क्लिक करेंगे। आप पेन ऑफ पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका जो है इस सारे की सारी चीज़ें ये ले लिया है, एप्लीकेशन नंबर आपका। अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको 1000 का जो है पेमेंट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आई एग्री टू क्लिक करेंगे, और यहाँ पे किसका किसका कितना फीस लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन डिटेल्स, मोटरसाइकिल का लेगा 200, और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें 300, और उसके बाद इसका ड्राइविंग टेस्ट का 300, फॉर्म 7-7 इसका 200, मतलब मिला जुला के सब आपको 1000 रुपये का अमाउंट फीस पे करना है। यहाँ पे आई एग्री क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेड फीस पेमेंट आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये इस तरीके से खुल करके आएगा।
अब आप अपना पेमेंट का वो ऑप्शन चूज करेंगे किससे आप देना चाहते हैं, SBI नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, अदर बैंकिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से चाह अदर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं जो है स्टेट बैंक डेबिट कार्ड के जरिए कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे करता हूँ क्लिक। और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा आपका पूरा वो डिटेल आईडी। अब यहाँ आपको आपको 1000 रुपये फीस पेमेंट करना है। 1000 रुपये फीस पेमेंट करें, यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फिर से बार कन्फर्म करेंगे। यहाँ पे कन्फर्म जैसे दबाएंगे आप तो आपके सामने देखिए आपके फीस का जो है पूरा वो खुल जाएगा कैसे आपको पेमेंट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने कार्ड का पूरा वो जो डिटेल्स डालना है, मंथ एक्सपायरी डेट, वाई कार्ड होल्डर से नेम, CVV। तो यहाँ पर आप देखिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप डालेंगे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 3 स्टेप पूरा फाइनल हो गया, हमने पेमेंट भी कर दिया। और यहाँ पर आप प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए इस तरीके से आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे, एप्लीकेशन नंबर या लर्नर लाइसेंस नंबर। मैं देखिए चूज़ कर लिया, मोबाइल को गेयर कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इन दोनों में से आप कोई भी आपने चूज़ कर लिया है अपने एप्लीकेशन नंबर तो आपके एप्लीकेशन नंबर अपने आप ले लेगा। यहाँ पे आप जो कैप्चा डालेंगे यहाँ पे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने इन वॉलेट कैप्चा, फिर से कैप्चा डालना आपको गलत हो गया। उसके बाद अब आपको एक अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको उसी डेट पर जो है बुक करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जब वो हो जाता है तो आपको यहाँ पर ये फेंक देता है, उसके बाद यहाँ से आपका दिमाग काम नहीं करता होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप ऊपर आएंगे स्लॉट बुकिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ बुकिंग करें तो यहाँ पे देखिए LL टेस्ट स्लॉट बुकिंग या DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग या LL DL दोनों किसके थे, मैं DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग कर रहा हूँ तो DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग करके क्लिक करेंगे। अब जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए थोड़ा सा वेटिंग ले करके आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इस तरीके से आए। तो आपका एप्लीकेशन नंबर फिर से भरना है, वही वाला आ गया। तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर से कैप्चा आप डालेंगे। उसके बाद से जब आप कैप्चा डाल के फिल कर देते हैं तो आपको आगे यहाँ पे आगे देखिए आपको पूरा डिटेल्स ले लेता है। फिर आपको इशूज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस MCWG, यहाँ पर आप देखिए किसका आप देना चाहते हैं सिलेक्ट, जो जो आप देना चाहते हैं उसका करिए। तो मैंने इसको किया, यहाँ पे ओके किया। अब यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू बुक, अब यहाँ पे आपको देखिएगा एक ऑप्शन प्रोसीड टू बुक, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे आपका कैलेंडर खुल करके आगे नीचे यहाँ पे देखिए जो जो हरा हरा डेट दिख रहा है वो आपको जो है यहाँ पे खाली है, और जो जो हरा बुक नहीं है यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा खाली नहीं है। अब ये देखिए हमारा प्रेजेंट टाइम पे आज का 16 तारीख है, कल हमारा जो डेट इस पर खाली है। तो इस पर जो है हम मार लेंगे स्लॉट बुकिंग का, जिस पर आप ओके मारेंगे उस पर जो है आपका ये मार के यहाँ पे बुक मारेंगे आपको। तो जब अपना डेट लेते हैं तो यहाँ पर आपने को नीचे देखें यहाँ पे टाइम टेबल मिल जाता है कब से कितने बजे के टाइम में आपको देना है, 4/9/23, तो 10 से 12, 12 से 14 से 23, 15 से 17 जो भी आपको लेना हो आप उसको बुक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बुक सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बुक सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, DL टेस्ट अपॉइंटमेंट डिटेल्स प्रीव्यू, आपके यहाँ पे मतलब दिखाया जाएगा इस तरीके से, ये आपका पूरा वो है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर रहेगा, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे इस तरह से देखिए इसमें विल सेंड टू द अबव मोबाइल नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर है उस पर आपका इसमें सेंड किया जाएगा। और ये आपका गाड़ी का वो है 17 तारीख 1/9/23 है, यहाँ पर 10 से 12 के बीच में आपको जाना है। कन्फर्म टू स्लॉट बुक, यहाँ पर आप दबाएंगे कन्फर्म टू स्लॉट बुक पर, जैसे आप इस पर दबाएंगे तो इस तरीके से देखिए आपका पूरा वो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रिंट यहाँ पे देखते हैं, बुकिंग देख सकते हैं कब का कब है, और यहाँ पे आपको वो आ जाएगा। नीचे आएंगे इस तरीके से आप इसको पूरा देख लेंगे, इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा मिल जाएगा। और जब भी आपको मिले तो उससे आधा घंटा पहले मिनट पहले ही जाएँ आप, ताकि आपका सारा चीज़ हो सके। और ये वीडियो दोस्तों आपको बहुत पसंद आएगा, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बाद इसको शेयर आप ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों बाय।